हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे, हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार देखता हूं तेरे पे कितनी गोली, कुछ भी करेंगे। 26 ये मसनद हमारा होगा। मैं रतन, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। कुछ दिन पहले अमित शाह, जो इस देश के भारतवर्ष के होम मिनिस्टर भी हैं, उनके सामने मिथुन चक्रवर्ती जो भाजपा के लीडर हैं, उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था। उस भड़काऊ भाषण के मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी एवं तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बहुबाजार थाने में एक कंप्लेन लॉन्च की है मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ। उस कंप्लेन में सूत्र मात्र की ये खबर लगाई गई है कि उन्होंने जो वक्तव्य और भाषण दिया है वो बहुत ही भड़काऊ भाषण है, और इस भड़काऊ भाषण के तहत पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में हिंदू एवं मुस्लिम जो सांप्रदायिकता की हिंसा भड़क सकती है, इसके खिलाफ इस थाने में एक FIR लॉन्च की गई है। सूत्रों मार्फत ये खबर मिली है कि बहुबाजार थाने में TMC के कुछ कार्यकर्ताओं ने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ FIR लॉन्च की है। उन्होंने अपने FIR लॉन्च में वक्तव्य ये रखा है कि कुछ दिन पहले अमित शाह जी के साथ में एक ही साथ मंच साझा करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने अभद्र टिप्पणी एवं भड़काऊ भाषण दी है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहली बात यह कि मिथुन चक्रवर्ती ने क्या अपने मन से यह बात बोल दी? किसी के क्वेश्चन में या किसी के कुछ वक्तव्य में उन्होंने काउंटर पार्ट किया, तो पहला दोषी तो वो काउंटर पार्ट वाला है जिसने ये जो वक्तव्य दिया, उसके लिए पहला दोषी तो वो है। आज यदि आप किसी से कुछ क्वेश्चन करोगे तो उसका काउंटर जवाब आपको मिलेगा। तो मैं इसमें मिथुन चक्रवर्ती को किसी भी रकम से दोषी नहीं मानता। और ये जो आज ये इतना मजहब का जो बता रहे हैं ये सब, ये जब OBC ने भाषण दिया, रिपीट आज 3 दिन पहले भी उसे भी दोबारा रिपीट किया कि 15 दिन के लिए आप पुलिस हटा दो, तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। जब 15 दिन के लिए पुलिस हटाने का 15 मिनट के लिए बार बार बात करते हैं, तो हमारे जो संख्यालघु भाई हैं उनको भी तो उसके प्रति भी तो FIR करना चाहिए था। गंगा जमुना तहजीब वो हमसे मने मानते हैं कि हम गंगा जमुना तहजीब करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। मेरा यही बोलना है इस विषय। इतने दिनों हो गए हैं इस वक्तव्य को रखे हुए, अब जाके TMC के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग थानों में जाके FIR दर्ज करवाने शुरू किए, इस पे आप कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र बन रहा है? डेफिनेटली राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि TMC का ग्राफ जो है पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत गिर चुका है। वो गिर करके सारे संख्यालघु को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये FIR लॉन्च किया है, और इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। इस संख्यालघु जो वोट बैंक है तृणमूल कांग्रेस का, उसको इकट्ठा करके एक जगह वोट करने के लिए उन्होंने ये FIR किया। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा वोट बैंक, कई कई सोशल मीडिया हैंडलों में साझा किया जा रहा है कि BJP की जो सदस्यता अभियान चल रही है, अगर वो कोई लेता है तो सीधे माँ अन्नपूर्णा योजना का उनको लाभ मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसे मैंने हमारे जो अध्यक्ष है उनके बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो उनका बोलना ये था, जहाँ तक मेरा बेस्ट नॉलेज है, कि 26 में यदि हमारी सरकार आती है तो 3,000 रुपया आपको माँ अन्नपूर्णा योजना मिलेगी, ये उनका वक्तव्य ये था। उसको तोड़ मरोड़ के जैसे पेश किया जाता है उन्होंने पेश किया।